सलाइवा का यूज नहीं कर सकते बॉल पे, लेकिन पसीने का यूज कर सकते हैं बॉल पे, क्या ये पॉसिबल है? चलिए देखते हैं। मेरा नाम है अनिकेत शर्मा, स्वागत है आपका मेरे चैनल हाउस एट में। सो इतने दिन से एक अटकलें लगी हुई थी कि क्या इस पेंडेमिक के चलते जो ICC है वो सलाइवा स्वेट दोनों पे बैन लगा देगी, लेकिन ICC का रूल आ चुका है, उसने कहा है कि सलाइवा का यूज़ आप नहीं कर सकते हैं लेकिन स्वेट का यूज़ आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यार, अगर मैं आपको एग्जांपल देके ये चीज़ को समझाने की कोशिश करूँ, जैसे चाय बिना पत्ती के बन नहीं सकती, उसी तरह बॉल बिना सलाइवा और पसीने के चल नहीं सकती। कुछ ऐसा ही है इन दोनों का मेल, इन दोनों का रिश्ता, पसीना और थूक, यानी स्वेट और सलाइवा दोनों का यूज़ करेंगे तभी बॉल एक तरफ से हैवी होगी, तभी आपको रिवर्स स्विंग मिलेगी, कन्वेंशनल स्विंग मिलेगी, इन स्विंग मिलेगी, आउट स्विंग मिलेगी। उसके बिना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, बिकॉज स्वेट में क्या होता है, नमक। तो जब तक दोनों चीज़ें मिलेंगी नहीं तब तक बॉलर के लिए कुछ आसान होगा नहीं। तो बॉलर के लिए वैसे ही रहा बहुत मुश्किल हो गई थी इन दिनों, क्योंकि बैट्समैन बहुत सारे शॉट्स खेल रहे हैं, लेकिन और रहा मुश्किल हो गई है इस पैंडेमिक के चलते। तो ICC, सबसे पहली बात तो कमेंट करके बताना कि क्या ICC में भी एक सौरव गांगुली जैसे लीडर की ज़रूरत है या नहीं। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो कुछ ऐसा ही है इन दोनों का मेल, कुछ मेरे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसी मैथ्यू एडन ने भी कुछ इसी प्रकार का जो है वो इंटरव्यू में कुछ इसी प्रकार के बोले हैं। तो बिना स्वेट के बिना सलाइवा के बॉल यूज़ नहीं करेंगे, ना हम आर्टिफिशियल कोई क्रीम यूज़ कर सकते हैं, खाली यूज़ करेंगे तो वो है पसीना। तो क्या पसीने से संक्रमण के चांसेस कम हो सकते हैं? ऐसा कहीं कोई प्रूफ नहीं हुआ है। सो ICC का एक और बेतुका डिसीजन मेरे हिसाब से। दूसरी हम बात कर लेते हैं, दूसरा डिसीजन ये है कि अब से एटलीस्ट पेंडेमिक जब तक चल रहा है, कोरोना वायरस जब तक चल रहा है, आप लोकल अंपायर का यूज़ करेंगे, यानी न्यूट्रल अंपायर आप यूज़ करेंगे। जिस ग्राउंड में, जिस स्टेट में मैच हो रहा है, आप उधर के अंपायर यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई फॉरेन अंपायर या बाहर के अंपायर नहीं मिलेंगे। तो ये T20 में तो हो ही रहा था, तो अब इन दोनों में भी जो टेस्ट मैच है और वनडे में भी ये चीज़ होगी। और एक और डिसीजन लिया गया है कि जितने भी DRS आज तक यूज कर रहे थे टीम वाले, उनसे एक फालतू और DRS यूज कर सकते हैं, यानी DRS में एक नंबर की और बढ़ोतरी कर दी है। तो टीम के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा और थर्ड अंपायर का काम थोड़ा और बढ़ गया है। तो ये थी तीन न्यूज़। सबसे बड़ी न्यूज़ यही थी कि सलाइवा और स्वेट, इन दोनों में से क्या चीज़ ऐसी है जो बॉल को ज़्यादा स्विंग कर सकती है? तो ऐसा कुछ नहीं है गाइज, जब तक दोनों चीज़ें मिलेंगी नहीं, स्वेट और सलाइवा, तब तक बॉल का स्विंग होना काफ़ी मुश्किल है। अब हम देखते हैं कि आगे क्या नियम निकलते हैं, आखिरकार ये चीज़ कैसे सक्सेसफुल होती है, ये हमें देखना होगा। क्योंकि ये तो बिना मैच के या बिना प्रैक्टिस मैच के भी हमें ये पता नहीं लग सकता कि क्या खाली पसीने से बॉल हम इन स्विंग, रिवर्स स्विंग, कन्वेंशनल स्विंग या कुछ भी हम बॉल के साथ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या अंपायर ये देखेंगे कैसे कि वो सलाइवा का यूज़ नहीं कर रहा? क्या वो एक्स्ट्रा कैमरा लगाएंगे? क्या वो एक्स्ट्रा अंपायर लगाएंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को। तो भाई आज के लिए इतना ही गाइस। सो कमेंट में ज़रूर बताना कि ये ICC का डिसीजन जो है सलाइवा नहीं लगाना लेकिन स्वेट लगाना है, क्या ये सही है या गलत है, कमेंट में ज़रूर बताएं। सो इसी तरीके से प्यार दिखाते रहें, फिट रहें, हिट रहें, क्योंकि इस समय फिट रहना बहुत ज़रूरी है, अपना मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग रखें। सो गाइस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।